हमने जो ऊर्जा विभाग है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऊर्जा की बचत पे बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि एक यूनिट बिजली हम बचाते हैं तो सवा यूनिट बिजली नई बनाने के समान है, और जितनी बिजली हम बचाएंगे उतना पर्यावरण पे भी गलत प्रभाव कम होगा। उसी को आगे लेते जाते हुए ये एलईडी प्रोजेक्ट भी उसी का एक हिस्सा है। आखिर 40,000 करोड़ की जो बचत है वो बिजली बचाने से जनता की बचत होगी। इसी प्रकार से ये सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है, और किसानों में बहुत ज्यादा तकलीफ है कि बाबा आदम के जमाने के कोई 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष पुराने पंप अभी भी इस देश में चल रहे हैं, जहां कम बिजली से काम हो सकता है एनर्जी एफिशिएंट पंप से, उसके बदले ये पुराने पंप बहुत बिजली खींचते हैं। और किसानों को सस्ती बिजली देना ये मोदी सरकार की, फडणवीस जी के सरकार की प्राथमिकता है। हम नहीं चाहते कि किसानों को बिजली के दाम बढ़े या उनके ऊपर और बोझ पड़े, इसलिए ये रास्ता निकाला गया कि एनर्जी एफिशिएंट 4-स्टार 5-स्टार पंप गांव में लगाए जाए, जिससे कम बिजली से किसानों की सेवा हो पाएगी, पानी भी वेस्ट नहीं होगा, पानी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तो वाटर टेबल भी ठीक रहेगा, नीचे नहीं होगा, और इसमें स्मार्ट मीटर लगेगा और फ्लो मीटर लगेगा, जिससे किसान घर बैठ के SMS द्वारा पंप को चालू भी कर सकते हैं और SMS द्वारा पंप को बंद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लो मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी मेरे खेत में चाहिए। कई बार अधिक पानी से खेत खराब हो जाता है, तो इन सब को सोच के ये स्कीम लॉन्च की गई है। अमरावती में 4 पंप हमने बदले, जिससे किसानों को देखने को मिलेगा उसका लाभ। आगे चल के मैंने अमरावती के हमारे खासदार और सभी नेताओं को कहा है कि पूरे 1,16,000 पंप पूरे अमरावती में बदले जाएं, और इसी प्रकार से हम इसको पूरे देश में हर किसान को मुफ्त ये पंप, नया 5-स्टार 4-स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट पंप देने जा रहे हैं, जो जो राज्य सरकार हमारे साथ मदद करेंगी।